टीकमगढ़ के कुंडेश्वर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में जूनियर छात्रों ने अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सीनियर छात्रों के साथ कई मामलों में शिकायत की है। कुंडेश्वर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में जूनियर छात्रों ने अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पिटाई के साथ शिक्षकों पर जाति सूचक नाम लेकर छात्रों को बुलाने की भी शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक तौर पर विजित किया जाता है, छात्रों ने शोषण करने का भी आरोप लगाया है। शिकायत करने पर डराने धमकाने की बात कही गई है। घटना यह है कि हम लोग रात को सो रहे थे, लगभग 11:30 बजे 10th क्लास के सीनियर आए, वो बोल रहे थे कि 12th क्लास के भाई सब लोग बुला रहे हैं, तो हमारे पूरे रूम को बुलाया गया जिसमें 9 बच्चे थे, तो हम लोग सारे चले गए। तो वहाँ पे वो लोग जाते ही वो लोग अमरूद की लठियों से मार रहे थे। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, ना उन्होंने कुछ कहा ना सुना, उन्होंने सीधा हम लोगों को मार दिया। और फिर उसके बाद हम लोगों से कहा कि अब तुम जाओ हाउस पे। धनंजय पांडे सर थे, उन्होंने मेरे मामा से कहा था चमड़ा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।